बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दावत पर एक दफ़ा फिर तशरीफ़ लाएँ। आज आपको यहाँ ज़हमत देने की वजह सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बढ़ते हुए जुल्म और जबर, अकरबा परवरी तासुब और नसब परस्ती की बुनियाद पर जो ये सियासत और जो ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका इस वक्त जो है नुक्ता उरूज है, उसका नुक्ता उरूज है। और सिंध में एक ऐसी बेचैनी है, एक ऐसा लावा पकड़ा है कि अगर जिसको एड्रेस ना किया गया तो पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं होगी। मैं बारहा ये कह चुका हूँ, बार बार ये कह चुका हूँ कि भाई देखो, जब मैं और अनीस कायम खानी साहब आए थे यहाँ पर 3 मार्च 2016 को, उस वक्त से लेकर अब तक हमारे स्टांस में कोई एक भी यू टर्न नहीं है, जेर ज़बर का फ़र्क नहीं है, हमारे बयानिए में फ़र्क नहीं है। हमने पहले दिन से ये बात की कि देखो भाई, हम मुहाजिर हैं, मैं मुहाजिर हूँ, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फ़ख्र है, था, है और रहेगा। जिस तरह से किसी को, जिस तरह से अशफाक मंगी को अपने सिंधी होने पे फ़ख्र है, जिस तरह से तारिक तरीन को, इमरान तरीन को, हमारे साथ बैठे हुए अब्दुल रहमान का खेल को जो है वो अपने पख्तून होने पे फ़ख्र है, जिस तरह ताउल्ला कुर्द को अपने बलोच होने पे फ़ख्र है, हमें अपने मुहाजिर होने पे फ़ख्र है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस नाम पर मैं सियासत नहीं कर रहा, इस नाम पर पीएसपी सियासत नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? दो वजूहात हैं, मुहाजिर भी सुने और हमारी दूसरी कौमियतों के तमाम, हमारी पाकिस्तान की जो लसानी कौमियतें हैं वो भी ये बात सुने। मैं इसलिए नहीं सियासत कर रहा, दुनियावी वजूहात उसकी ये हैं कि अगर मैं मुहाजिर नाम पर सियासत करूँगा तो सबसे ज़्यादा मुहाजिरों का नुकसान होगा, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसलिए कि जब आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं, आप जब अपनी एक कौमियत की बात करते हैं तो तमाम दूसरे लोगों को कहते हैं कि तुम मेरे पास मत आओ, चले जाओ मेरे पास से, वो जाकर आपके मुखालिफ होकर कहीं ना कहीं आपके खिलाफ वो अपनी मुहिमजुई करेंगे, आपके खिलाफ किसी कैंप में जाएंगे। तो आप तो खुद से अपनी कौमियत के दुश्मन पैदा कर रहे हैं, मुखालफिन पैदा कर रहे हैं। दुनियावी नुकसान तो यह है। फिर दूसरी बात, इससे बढ़कर हम अगर कलमा पढ़ने वाले लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिंधी मुहाजिर पख्तून बलोच हमारी दुनिया की शनाख्त है। हम जब कब्र में मर के जाएंगे, मुस्तफा कमाल जब कब्र में मर के जाएगा तो कोई भी उसे मुहाजिर नाम से आवाज़ लगाने वाला नहीं होगा। कब्र में मेरी पहचान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की है, हम रसूल की उम्मत हैं। जो भी कलमा पढ़ने वाला कब्र में जाएगा उसकी पहचान अल्लाह के रसूल की उम्मत की है। इस रसूल की उम्मत में अगर हम अपने दुनियावी फायदे, अपने वोट के लिए इस उम्मत को टुकड़े टुकड़े करेंगे, मुहाजिर सिंधी पख्तून बलोच में तोड़ेंगे, तो हमारा यह मानना है कि अल्लाह और उसका रसूल राजी नहीं होगा, वो नाराज होगा। इस आइडियोलॉजी के तहत हमने पहले दिन से मुहाजिर नाम की सियासत नहीं की। ये सिंधी भी अल्लाह के रसूल की उम्मत हैं, ये बलोच भी अल्लाह के रसूल की उम्मत हैं, ये पख्तून भी अल्लाह के रसूल की उम्मत हैं, ये पंजाबी, ये बलोच, ये हज़ारेवाल, ये कश्मीरी, ये देवबंद, ये बर्मीज, ये बंगालीज, ये तमाम लोग, ये गिलगित बल्तिस्तान के, ये तमाम लोग अल्लाह के रसूल की उम्मत हैं। फिर जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे हिंदू हैं, भाई हैं, हमारे क्रिश्चियंस हैं, हमारे यहाँ पर सिख हैं, ये अल्लाह की मखलूक हैं, ये अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने इनका, हमारा और इनका फैसला बाद में होगा, लेकिन आज ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई प्रोडक्ट हैं। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के ज़माने की एक औरत थी, गुनाहगार औरत थी, उसने सिर्फ एक कुत्ते को पानी पिला दिया, उसके पास एक भी नेकी नहीं थी, उसने रुक कर कुत्ते को पानी पिला दिया, कुएं से निकाल कर पानी पिला दिया, कुत्ते की प्यास बुझा दी,
अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला ने उसकी तमाम गुनाह उसके तमाम गुनाह माफ़ करके उसको जन्नत अता कर दी। तो जब जो मेरा रब कुत्ते को पानी पिलाने पे गुनाह माफ़ करके जन्नत दे सकता है, वो रब इंसानों, चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसका मसलक कोई हो, उसका मजहब कोई हो, उसका उसकी कौमियत कोई हो, उस इंसानों की खिदमत करने पर क्या अजर देगा। तो रब की प्रोडक्ट है सारे लोग ये। अब आ जाइए, तो इसलिए ये मैंने अपनी अपनी पीएसपी की सोच बताई आपको, ये अपनी सोच बताई कि हम इसलिए एथनिक सियासत नहीं करते, हम लिसानी सियासत नहीं करें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वजूद से लेकर आज तक उसने लिसानी सियासत की है, उसने तासुब के ऊपर सियासत की है, उसने इस सूबे को तहस नहस किया है अपने अपने फ्यूडल माइंडसेट की वजह से, उसने अपनी अपने अपनी जागीरदाराना वडेराना जहनियत और तासुब ज्यादा जहनियत की वजह से उसने इस सूबे में जितनी भी तबाही बर्बादी है उसकी सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे। आज नहीं, तारीख गवाह है कि इस सूबे में सबसे पहले तासुब की बुनियाद पर लिसानी बिल लाने वाले लोग ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं। तारीख गवाह है कि इस सूबे में जुबान की बुनियाद पर कोटा सिस्टम इम्पोज करने वाले लोग ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं। तारीख गवाह है कि जुबान की बुनियाद पर जो नेशनलाइजेशन का एक ड्रामा रचाया गया कि सिर्फ और सिर्फ जो उर्दू बोलने वाले लोग थे उनसे सारी उनकी जायदादें हथिया ली गई, उनकी फैक्ट्रियां, उनके स्कूल, उनके कॉलेजेस, वो ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं। ये तो है हिस्ट्री, लेकिन क्या उनके जो लोग हैं, उनकी जो नस्ल चली आ रही है ये पीपल्स पार्टी के अंदर वाली नस्ल, क्या उन्होंने ये काम छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ये काम। आज 2021 है, आज क्या कर रहे हैं 13-14 सालों से इनकी हुक्मरानी है सूबा सिंध के अंदर, एक कतरा पानी नया नहीं दिया इन्होंने, एक बल्कि वो जो पानी आता था उसके ऊपर भी हाइड्रेंट बनवा के वो जो पानी पहले आता उसको भी चोरी करके इसी शहर वालों को बेच रहे हैं। कोई हड़ताल नहीं, कोई एहतजाज नहीं। मरियम नवाज के कमरे में पुलिस घुस जाए तो जो है वो ये बिलावल भुट्टो जो है वो आर्मी चीफ को फोन करते हैं। यहां पर हजारों 90% रेवेन्यू देने वाला शहर प्यासा है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आगे चले 14 सालों से एक ट्रांसपोर्ट की नई बस नहीं है, 14 सालों से एक कोई शहर में नई डिस्पेंसरी नहीं है, एक नया अस्पताल नहीं है, एक स्कूल नहीं है। वो जो केएमसी के अस्पताल चलते थे पूरे सिंध भर का लोड लेते थे, अब्बासी शहीद, सोबराज हॉस्पिटल, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस, जहां पर केआईडी में 5 एंजियोग्राफी की मशीनें, 5 खराब पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। 1300 बेड का हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल छोड़कर गया अब्बासी शहीद अस्पताल, जिसपे 38 के करीब वेंटिलेटर्स लगे हुए थे सिर्फ, जो कि पहली दफा किसी सरकारी अस्पताल में लगे हुए थे। 5 रुपए पे गरीब आदमी मरीज बगैर जुबान की शनाख्त के उसके ऊपर उसका इलाज हो जाता था, वो सिंधी हो, वो पंजाबी हो, मुहाजर हो, पख्तून हो, इलाज हो जाता था। एक वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा, एक मशीन काम नहीं कर रही, एक सीटी स्कैन की मशीन काम नहीं कर रही, एक एमआरआई मशीन, कुछ सब तबाह बर्बाद है। एक अस्पतालों का ये हशर है। उसके बाद ले देकर जो है वो कुछ सरकारी नौकरियां मिल जाती थी, 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं। मैं मानता हूं और मैं इस बात को करने से पहले बताना चाहता हूं कि ये पीपल्स पार्टी के बारे में बात हो रही है। हमारे लोग नाथपत अंदेश लोग इसको हमारे सिंधी भाइयों के लिए ना इसको मंसूब करें। मैंने पहले अपनी नियत बता दी कि मैं अल्लाह के रसूल की उम्मत से अल्लाह के रसूल की से प्यार करता हूँ, उसकी उम्मत से प्यार करता हूँ, उसके चाहे वो सिंधी हो चाहे वो, ये है मेरा नजरिया मानने वाला। तो मैं किसी इंसान से नफरत नहीं करता और मैं कलमा पढ़ने वाले से तो वो मेरा भाई है, कोई भी कलमा पढ़ने वाला वो तो मेरा भाई है। मैं इंसानों से नहीं करता तो मैं ये कलमा पढ़ने वालों से मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है। ये और ये मैं किसी इंसान के लिए नहीं, अपने रब की रजा के लिए काम करता हूं, अल्लाह के रसूल की उम्मत के लिए हमने ये नजरिया बनाया अपना। तो कोई भी इस वाली बात को, तो ये क्या कर रहे हैं, 2.5 लाख लोगों की नौकरियां दी हैं, अच्छी बात है। आप जो है वो सिंध के दूसरे अजला की पोस्टों पे उनको अपॉइंट करते हैं और कराची की खाली पोस्टों पे लाकर उनको जो है वो फिल कर देते हैं।
तो वो जगह फिर खाली हो जाती है, फिर दोबारा भर्ती करते हैं, फिर यहाँ की पोस्टों में लाके फिल कर देते हैं। तो भाई ये जो यहाँ पे 2.5 करोड़ इंसान रह रहा है, जिसमें मुहाजर भी है, सिंधी भी है, पंजाबी भी है, पख्तून भी है, बलोच भी है, वो सोचेगा नहीं कि मैं कहाँ जाऊं, ये हुकूमत मेरी है या नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूं या नहीं हूं। भाई बिल्कुल नौकरी दें, जो जहां का है वहां का उसको नौकरी दें, बिल्कुल बिल्कुल नौकरी दें। लेकिन आप जो है वो इस शहर के, अगर तो या तो यहां पर ये हो कि भाई कराची में कोई बेरोजगार ही नहीं है, हैदराबाद में कोई बेरोजगार है नहीं, तो फिर आप डेफिनेटली जो है वो किसी को कहीं से भी लाकर आप नौकरी भी लोग दूसरे मुल्कों से लाकर, भाई दुबई में, अमेरिका में तो दूसरे मुल्कों से जाकर लोग नौ, इसलिए उनके पास मैन पावर कम है, तो आप मैन पावर लेकर जाते हैं। लेकिन अगर दुबई में, अगर मलेशिया में, अगर जहां जहां लोग जाते हैं वहां का लोकल बेरोजगार हो वहां पे, और बाहर से जाकर तो लोगों को तो वो आपको आपको काम करने देंगे। तो क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कराची में, कि इससे हमें ये माननी पड़ेगी ये बात कि यहाँ के लोकल्स में, उसमें तमाम जुबाने वाले बोलने वाले शामिल हैं, लेकिन चूंकि मुहाजर इस शहर में बड़ी तादाद में रहते हैं, उनकी तादाद ज्यादा है, उनमें सबसे ज्यादा एहसास महरूमी बढ़ गई है और बढ़ती चली जा रही, एहसास महरूमी बढ़ती चली जा रही है, जो कि एक नेचुरल सा फिनोमेना है। इसको एड्रेस करने की जरूरत है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। अगर इसको एड्रेस नहीं करेंगे, जो लावा पकड़ा है, ये लावा कोई दुश्मन इसको इस्तेमाल करेगा और इस मुल्क के खिलाफ, इस सूबे के खिलाफ इसको इस्तेमाल करेगा, और मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह शहर तासुब करने वालों का शहर नहीं था कभी भी, और ना आज है। इस शहर से असगर खान, जो कि एबटाबाद के रहने वाले थे, वो बंस रोड से इलेक्शन लड़ते थे और जीतते थे, और शेरबाज खान मजारी साहब, जो कि जिनका राजनपुर से और बलूचिस्तान से ताल्लुक था, वो गोली मार से इलेक्शन लड़ते थे और जीतते थे। ये शहर का कल्चर है, ये शहर की एक्सेप्टेंस है, ये शहर के तासुब से हटकर ये सारी बात है। लेकिन आज पीपल्स पार्टी धरना दे रही है लाड़काना में कि इरसा से पानी नहीं मिल रहा, पाकिस्तान के कोटे से सिंध को पानी नहीं मिल रहा। जबरदस्त बात है, आप सिंध के लोगों के लिए अगर एहतजाज करते हैं, लेकिन आपका डबल स्टैंडर्ड है। आप ये इसी को मैं कहता हूं कि तासुब की ऐनक लगा रखी है। इस कराची में जो आपकी आबादी का, सिंध की आबादी का 50% इंसान रह रहा है, दारुल खिलाफा है, आपको कमा कर देता है, ये बूंद बूंद को तरस गया। बिलावल भुट्टो को कभी 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 इसकी जो है वो फिक्र नहीं हुई कि यहां भी कोई एहतजाज की कॉल दे, यहां भी अपने वजीर आला को बोले कि वो इस यहां के पानी का बंदोबस्त करे, वरना फिर एहतजाज करे। नहीं किया। 36,370 मिलियन गैलन पानी रोजाना वफाक से सूबा सिंध को मिलता है, 36,370 मिलियन गैलन वाटर एवरी डे सिंध गेट्स फ्रॉम वफाक, फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट, फ्रॉम इरसा। और उस 36,370 मिलियन गैलन पानी का कराची को जो पानी मिलता है वो 540 मिलियन गैलन पानी। अगर आप उसको की परसेंटेज निकालेंगे तो वो 1.5% पानी बनता है, 1.5% पानी। सिंध के सारे पानी का जो कराची को मिल रहा है वो 1.5% पानी मिल रहा है। आबादी कितनी है कराची की, आबादी कितनी है सिंध की, आबादी का 50% इंसान कराची में रह रहा है। 50% के लिए 1.5% पानी, हम उस पे भी कुछ नहीं कह रहे। हमें पता है कि आपको पानी एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए चाहिए, हमें उसका मुआवजा नहीं कर रहा। अब 260 मिलियन गैलन K4 से आना था, 260 मिलियन गैलन को और ऐड करेंगे तो 0.5% बनता है, टोटल 2% पानी। यानी कि सिंध को मिलने वाले पानी का कराची को जो पानी मिलना है वो एक कतरे के बराबर है। 36,370 मिलियन गैलन का अगर आप जो है वो 540 एक कर लो, 260 एक कर लो, 2% बनता है, कतरे के बराबर। सिंध के पानी को पता भी नहीं चलेगा उस, और जहां पर आपको इंडस्ट्रीज चलानी है,
जहां पर आपको पैदावार चढ़ानी, जहां से आपको 90% सिंध की रेवेन्यू का मिल रहा है, वहां पर आप एक दफा भी पानी देने की बात नहीं करते। वहां पर आपने K4 को पिछले 15 सालों से लटकाया हुआ है, आपने डिजाइन का बहाना करके उसको लिंगर ऑन कर दिया। वफा की हुकूमत आई, आपने उसके हवाले कर दिया। भाई आप सिंध के हुक्मरान थे, आप कहते नहीं हम बनाएंगे, आपको पता है वफा की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, और आपने वफा की हुकूमत के हवाले कर दिया। अब ना ये सूबा सिंध बना रहा है ना वफाक बना रहा है, और आपको आपकी पुलिस जो के दुकानदारों को और ताजिरों के ऊपर इतने एक्टिव हो गए हैं कि उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, उनको जेलों में भेज रहे हैं, उनकी पुलिस को पता नहीं है कराची में कितने 100 हाइड्रेंट चल रहे हैं, कराची का पानी कौन चोरी कर रहा है, कराची में कितने किसके हाइड्रेंट चल रहे हैं। वो ये पुलिस वो हाइड्रेंट नहीं बंद कर सकती, इसलिए कि आपको भी इस हाइड्रेंट के पैसे आ रहे हैं, आपके वजीरों को आ रहे हैं, आपके MNS के हाइड्रेंट हैं, आपके MPS के हाइड्रेंट हैं, आपके SHOs के हाइड्रेंट चल रहे हैं, आपके सरकारी अफसरान के हाइड्रेंट चल रहे हैं। तो जो पानी पहले 540 मिलियन के अंदर आ रहा था, उसको भी आप चोरी करके गरीब लोगों को भेज रहे हैं। बल्दिया टाउन में साल में 6 घंटे के लिए पानी आता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, करेंगे आप हड़ताल बल्दिया टाउन में जाकर, हर दो महीने के बाद 1 घंटे का पानी है। औरंगी टाउन में महीनों पानी नहीं आता, न्यू कराची में पानी नहीं है, नॉर्थ कराची में पानी नहीं है, फेडरल एरिया में पानी नहीं है, कराची के मदाफात में पानी नहीं है। आप करेंगे हड़ताल यहां पर आकर, यह ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। आप आग से खेल रहे हैं, आप लोगों की मजबूरियों को आप समझ रहे हैं, वो इसी तरह खामोश रहेंगे? मैं आपको बताता हूं कि नहीं रहेंगे। फिर अगर आगे चलते हैं तो मेरा यह मानना है कि यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तासुब की बुनियाद पर यह सब कुछ कर रही है। अब इसके जवाब में इस कराची की पार्टियां क्या कर रही हैं? सबसे पहली बात कर लेते हैं MQ, वो क्या कह रहे हैं? वो ये सारी महरूमियों का जवाब ये देते हैं कि भाई इस शहर को अलग किए बगैर मुहाजरों का गुजारा नहीं है। ये नैरेटिव उनका कि शहर, वो कहते हैं कि जुनूबी सूबा सिंध बनाएंगे, बैनर लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जुनूबी सूबा सिंध बनाएंगे, सिंध को 2 टुकड़े करेंगे, ये है मुहाजरों के मसाइल का हल। आ जाते हैं इसके ऊपर बात कर लेते, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सवाल है कैसे बनाएंगे? आईनी तौर पर बनाएंगे। आईन में यह लिखा है सूबे बनाने का तरीका यह है कि आपकी मेजॉरिटी होनी चाहिए उस सूबे में 75%, 75% आपके पार्लियामेंटेरियन होने चाहिए सूबा सिंध में हैं। जवाब है कि नहीं है। आपने तो आज तक सूबा सिंध की असेंबली में, जहां से सूबा बनने का आगाज होना है, वहां आज तक आपने तकरीर नहीं की है। वहां तो खड़े होकर आप कहते हो मैं महाजर नहीं हूं, वो कहते मैं महाजर नहीं हूं, मैं तो सिंधी हूं, वहां खड़े होकर ये कहते हो आप, और बाहर निकल के आप मुहाजरों के बीच में खड़े होकर कहते हो कि हम सूबा बनाएंगे। जहां से सूबा बनने का आगाज होना है वहां पर आज तक आपने तकरीर नहीं की है, वहां पर आज तक तकरीर नहीं की है। अच्छा भाई, यहां से अगर आप 2/3 मेजोरिटी ले लेते हैं तो फिर आपको नेशनल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी चाहिए सूबा बनने के लिए, फिर सेनेट में चाहिए, तो क्या आईनी तौर पर आपने इसकी इब्तिदा भी की है, बना सकते हो? जवाब है कि नहीं। अच्छा भाई, आप अपनी स्टेट पावर मसल से लड़कर बनाने वाला ऑप्शन देख लेते हैं। आपने तो आपके साथ जो लोग हैं, जो आपके सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने 20 सालों में मुहाजिर नौजवानों का कब्रिस्तान बना दिया मार मार के, जो आज मुहाजिरों के कर्ता धर्ता बने हुए, उन्होंने तो 20 सालों तक 19 जून 1992 से लेकर 2011 तक अल्ताफ हुसैन से माफी मांग के MQ में वापस आने तक आपने अपने हाथों से सारा मुहाजिर नौजवान तो मार दिया, शोदा कब्रिस्तान बना दिया। अब कौन मां है जो अपने मुहाजिर बेटे को तुम्हारे नाम पर कुर्बान होने के लिए भेजेगी, मुझे बताओ? कौन मेरी बहन है, कौन मेरी बेटियां जो अपने बाप को, अपने भाई को तुम्हारी शक्लों के ऊपर जिसने 10,000 मुहाजिर नौजवान मार दिया तुम्हारी शक्लों पर, अब ये दोबारा तुम्हारे इस मुहाजिर नारे पे कुर्बान होने के लिए भेजेगी? और फिर हमने आकर मुहाजिर नौजवानों को समझा दिया, उनको रास्ता बता दिया, तो आज तो मुहाजिर नौजवान
तुम्हारे लिए गोली खाने के लिए तैयार नहीं है। खा ली उसने गोली, दे दी कुर्बानी, उसकी कुर्बानियों के नतीजे में तुम बिलियनर बन गए, तुम अरबपति बन गए, तुमने उसकी कुर्बानियों के लिए कुर्बानियों को कौम के लिए इस्तेमाल नहीं किया, अपनी जात के लिए इस्तेमाल किया, तो तुम आज अरबपति बन गए। तुम केकेएफ से 25,000 रुपए महाना फितरा ज़कात लेकर अपना घर चलाने वालों, तुम आज अरबपति बन गए हो। तुम दोबारा मुहाजिर नौजवानों को आवाज लगाते हो कि वो आकर तुम्हारे लिए अपने अपनी जाने कुर्बान करें, तुम्हारे इस नारे पे। तुम्हारा मेयर था 4 सालों तक, उसने 50 अरब से ज्यादा पैसे खर्च किए, तुम्हारे मेयर, तुम्हारे चेयरमैन, तुम्हारे यूसी जिम्मेदारों ने। तो जहां जहां तुम थे वहां से कचरा ही उठा लेते। 20 गलियां लियाकताबाद की मैं देख कर आया हूं, जहां पर 8-8 फुट कचरा है 10 सालों से। तुम्हारा काउंसलर, तुम्हारा यूसी चेयरमैन, तुम्हारा एमपीए, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, तुम्हारा मेयर, तुम्हारा एमएनए आज भी लोगों के घरों में गैस की लाइनें लीक होकर फट रही हैं, बच्चे हलाक हो रहे हैं। तो तुमने, तुम्हारे पास जो मुहाजिरों ने ताकत दी थी आज भी दे रखी है, तुमने उसका क्या इस्तेमाल किया? पहले इसका तो हिसाब दो। और ये शहर पीपल्स पार्टी के हाथों किसने बेचा है? जब अल्ताफ हुसैन, जिसको तुम 22 अगस्त तक मानते थे हमारे आने के बावजूद, हमारे समझाने के बावजूद, जब वो अपने घर के, अपनी बीवी के तलाक के मसले को पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीरों के से हल कराएगा, तो मुझे बताओ इस पीपल्स पार्टी से हुकूम कौन लेगा? अपने घर के, अपनी बीवी ने जो उस पर इल्जाम लगाए थे, अपने तलाक के लिए जो पेपर जमा कराए थे, उसके लिए फारूक एच नायक और वफाकी वजीर दाखला रहमान मलिक को जरदारी साहब से कहकर 2009 में लंदन में बुलाकर तुम तलाक के मसले को हल करा रहे हो, उस पीपल्स पार्टी से तुम हुकूम ले होगे? उनके पास सारे डॉक्यूमेंट है तुम्हारे कारनामों के। फिर 2012 में अल्ताफ हुसैन साहब, इसी वफाकी वजीर दाखला, पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर दाखला को बिठाकर बता रहे हैं कि मैं 22 सालों से रॉ से पैसे ले रहा हूं, पकड़ा गया हूं, बचाओ, मैं तुम्हारा कोलिशन पार्टनर हूं। बचाया उन्होंने, लेकिन पूरी कौम गिरवी रखवा दी, पूरी कौम गिरवी, बचाया उन्होंने लेकिन पूरी कौम गिरवी रखवा दी, सारे मुहाजिरों को गिरवी रख दिया। 5 दफा हुकूमत से ड्रामेबाजी करने के लिए 2018 से 2015 तक बाहर आते थे, फिर अंदर जाते थे, बाहर आते थे लोगों के प्रेशर में, अंदर जाते थे रहमान मलिक की कोर्ट पे कि भाई आपका केस है, आप फंस जाएंगे, अंदर चले जाते थे दोबारा। वो पीपल्स पार्टी से हुकूम लेंगे? वो ले सकते हैं? 2013 में इसी एमक्यूएम का गवर्नर था, यही एमक्यूएम 2013 में इसी पीपल्स पार्टी के साथ वजीर थी, वजारत चला रही थी इस सूबे में, और ये लोकल गवर्नमेंट का नया ऑर्डिनेंस आया, फिर वो कानून बना और वो इंप्लीमेंट हो गया। वाटर बोर्ड छिन गया, केबीसीए छिन गया, बिल्डिंग कंट्रोल चली गई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बन गया, चेयरमैन बन गए, 7 डिस्ट्रिक्ट 6 डिस्ट्रिक्ट बन गए, 1 डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गया, टाउन खत्म हो गए, सारे डिपार्टमेंट छिन गए। तो ये मुस्तफा, आज तो बोलते हैं कि मुस्तफा कमाल अली इस्ताम खानी ने आकर मुहाजिरों का इत्तेहाद तोड़ दिया, तो मैं तो 2013 में नहीं आया था, अली इस्ताम खानी तो नहीं आया था, 9-0 खुला हुआ था, तुम्हारा गवर्नर था, तुम्हारे एमएनएस थे, तुम्हारे एमपीएस थे, तुम्हारे सेक्टर इंचार्जेस थे, तुम्हारे लड़के थे, बंद करना था ना शहर, इख्तियार चले गए थे, बंद करना था ना शहर, बंद किया, हड़ताल की, तुम तो हड़ताल करने वाली पार्टी हो भाई, तुमने हड़ताल करके शहर बंद कराया? नहीं कराया, नहीं कराया, क्योंकि तुमने अपने हाथों से, तुम चौकीदार चोरों के साथ मिलकर तुमने अपने हाथों से इस घर को लुटवाया है, तुम कैसे हड़ताल की कौन दोगे? अल्ताफ हुसैन का शनाख्ती कार्ड नहीं मिले लंदन में, हड़ताल होती है, यहां शहर पूरा छिन जाए, एक हड़ताल नहीं है, कोटा सिस्टम पे एक हड़ताल नहीं है, जॉब ना मिलने पे एक हड़ताल नहीं है। आज उन्हीं की बकाया जात, ये वाली एमक्यूएम आज फिर अपने मेयर की करप्शन को छुपाने के लिए, अपने लीडरों की करप्शन को छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए
आज फिर मुहाजिरों को इस पीपल्स पार्टी की अखरबा परवरी की वजह से, तासुब की वजह से, फिर मुहाजिरों को, नौजवानों को गलत रास्ते पे लगाकर अपना अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, सूबे का नारा लगाकर, सूबे का नारा लगाकर, नारा लगाकर दोबारा दोबारा इस कौम को तबाह हाल और गलत रास्ते पर डालना चाहते हैं। तो मैंने ये बैकग्राउंड बताया, ये आज के लोग जिनके बाद जिनकी ऑडियोज वीडियोज सारे मोबाइलों में घूमती हैं, जो इतने करप्ट हैं, जिनके अपने घर के रिश्तेदार इसी पीपल्स पार्टी ने बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगा रखा है, ऐ मुहाजिरो तुमको ये सूबा बना के देंगे, पीपल्स पार्टी से छीन कर देंगे, पीपल्स पार्टी से हुकूमत लेकर देंगे। ये आज के मुहाजिर लीडरान, ये उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते, ये तुम्हारा खून देकर दोबारा अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। यही पीपल्स पार्टी आज उनको दो वजारतें ऑफर कर दे, सब सूबे वूबे का नारा भूल जाएंगे और इसी पीपल्स पार्टी के साथ वजारतें एंजॉय करेंगे। आज अगर मुहाजिरों, सिंधियों, बलोचों और तमाम जुबानें बोलने वाले और खास तौर पर इस सुबह इस कराची की कोई आवाज है, कोई सॉल्यूशन है, कोई किरदार वाली लीडरशिप है, कोई पार्टी और जिसने हमेशा इश्यूज के ऊपर जो है वो रिजॉल्व करके चीजों को बताया है, तो वो पाक सरजमीन पार्टी के अलावा और कोई नहीं है, वो हमारे अलावा और कोई नहीं है। तो ये इनका हाल है। तो मैं कराची सूबा सिंध के तमाम लोगों को, कराची से लेकर कश्मीर तक और खास तौर पर कराची के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये सिंधी हमारा भाई है। चलो चल के पीपल्स पार्टी का जुल्म देखना है तो लाड़काना चलो, कश्मीर चलो, थर दे चलो, बच्चों के जिस्म पे पूरे कपड़े नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, पानी नहीं है, ये भी अल्लाह के रसूल की उम्मत के लोग हैं। हमें इनके नारों में ना एमक्यूएम के ना पीपल्स पार्टी के नारों में आना। फिर क्या हो रहा है, इस एमक्यूएम के इस नारे से सब, अगर वाकई पीपल्स पार्टी से नफरत है और तुम चाहते हो कि ये नहीं हो, तो तुम तो इनके आलायकार बन रहे हो। एमक्यूएम वालों, तुम्हारे इस नारे से पीपल्स पार्टी जश्न मनाती है। उनको ये पता है कि तुम लालू खेत की एक गंदी गली में गटर का ढक्कन लगाने की औकात नहीं है तुम्हारी, तुम सुबह क्या बनाओगे। लेकिन तुम्हारे इस नारे को लेकर वो जाकर अंदरूने सिंध तमाम डिस्ट्रिक्ट में मेरे सिंधी भाइयों बहनों को वो ये नारा बेचते हैं तुम्हारा कि आओ देखो मुहाजिर कराची से सिंध धरती मां को टुकड़े करने की बात कर रहा है, आओ आओ सिंधियों मेरी करप्शन, हमारी करप्शन भूल जाओ, पीपल्स पार्टी की रोटी कपड़ा मकान का नारा भूल जाओ, हमारे जुल्म ज्यादती भूल जाओ, आओ सब हमारे झंडे के नीचे, हम धरती मां को बचाते हैं, इन मुहाजिरों से बचाते हैं, एमकेएम वालों से बचाते हैं। ना तुमने धरती मां को दो टुकड़े करने हैं, ना उन्होंने धरती मां को बचाना है, तुम्हारा भी यहां पर ड्रामा चल रहा है और वो तुम्हारे ड्रामे को वहां जाकर बेचते हैं, वो अपने वहां भी अपना ड्रामा चलाते हैं, वो फिर सिंधी सारे धरती मां को बचाने के लिए निकल आते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं कि भाई अगर हम पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे, अगर हम पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे तो ये एमकेएम वाले सिंध को दो टुकड़े कर देंगे, तोड़ना ओढ़ना तुम्हें कुछ भी नहीं है, बनाना वनाना तुम्हें कुछ भी नहीं है। तो भाई ये ड्रामेबाजी खत्म होनी चाहिए, ये ड्रामेबाजी हर हाल में खत्म होनी चाहिए। आज अभी कल की बात है, हाई कोर्ट हैदराबाद हाई कोर्ट बेंच ने 3,500 से जायद लोगों को आइडेंटिफाई किया जो पब्लिक सर्विस कमीशन से निकल कर आए कि वो जाली डोमिसाइल पर, ये पीपल्स पार्टी के जुल्म है कि वो जाली डोमिसाइल पर भर्ती में लगे हुए हैं। क्यों कि भाई अगर अपनी जुबान वाले को भी देना है तो भाई सही डोमिसाइल वालों को दे दो ना, अगर सिंधियों को भी नौकरी देनी है तो भाई जाली डोमिसाइल वाले क्यों, क्योंकि उनसे तुमने पैसे पकड़े होंगे, उनको भी तुम फ्री में नहीं दे रहे, उनसे तुमने पैसे पकड़े होंगे। अब अगर बंदा पैसे देकर पुलिस में आएगा, सरकारी महकमे में आएगा, तो पहले तो अपने पैसे निकालेगा। इस कराची में ये जो ताजिरों के साथ हो रहा है, ये जो ताजिरों के साथ जुल्म हो रहा है, एक SDM उसका अता पता कोई नहीं कि कहां से आया है, वो बदमाश बना हुआ है हर इलाके में, एक SHO उसका भी नहीं पता कहां से आया है,
कोई दोस्ती नहीं है इलाके में उसकी, कोई उसको नहीं जानता, वो बदमाश बना हुआ, वो उसके लिए मखतुआ इलाका है। उस पर लगा के लाकर छोड़ दिया भाई लूटो, वो दुकानें बंद कर रहा है, वो डंडे मार रहा है, वो एक दुकान सील करता है, पूरी मार्केट से पैसे लेता है, करोड़ों रुपए रोजाना इस कराची से पुलिस और एसडीएम जो है वो भत्ता उठा रहे हैं इस कोरोना वायरस की आड़ में, इस कोरोना वायरस की आड़ में। आज मैं ताजिरों के इस मुतालबे की हिमायत करता हूं कि वो आड़ में भाई को 8 बजे तक दुकान खोलेंगे, पीएसपी उनके साथ है। अबे कोरोना कोई टाइम देखकर टाइम बताकर आ रहा है कोरोना कि 6 बजे तक मैं नहीं आऊंगा उसके बाद आ जाऊंगा है? अजीब बेवकूफी, अजीब अजीब तूफान बदतमीजी है। 2 साल हो गए तुम वफाक और तुम मिलकर सुबह से वाले मिलकर कोई एसओपी नहीं बना सके, कोई इसकी तैयारी नहीं कर सके। ये तो अल्लाह ताला ने कोरोना भेजा ही नहीं हमें यहां पे। अगर वो इंडिया की तरह अमेरिका की तरह यूके की तरह भेज दे इकदाम का पता चल जाए, अल्लाह में तुम अभी खाबो फहमे ड्रामे बाकी, हमारे बेहतर इकदाम की वजह से कोरोना फैलने से बल्कि बेवकूफ के बच्चों तुम्हारे बेहतर इकदाम की वजह से तुम्हारे पास कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, तुम इकदाम करोगे, बकवास करते हैं। तुम्हारे कौन से इकदाम? अल्लाह ने कोरोना नहीं भेजा, शुक्र अदा करो। तुम्हारी बात कहीं रब को बुरी ना लग जाए, लाश दफनाने वाले नहीं होंगे फिर यहां पे, इतने लोग मरेंगे। तुमने किया क्या है हुकूमत के तौर पर? वो वजीर आजम उधर बैठ के बोलता हमने बड़ा अच्छा किया, अबे अल्लाह ने नहीं भेजा यहां पे कोरोना यार, तुमने क्या खाक अच्छा किया? तो ताजिरों की इस बात पर पीएसपी बिल्कुल साथ खड़ी है कि 8 बजे हम खोलेंगे 8 बजे तक दुकान। और मैं ताजिरों को कहता हूं कोई भत्ता लेने आए बंद करो उसको, पकड़ो मारे जाओ मर जाओ, अगर वो गोली चलाता है खड़े उसके आगे, मत दो उसको अपने हाथों से भत्ता, मत दो उसको रिश्वत। जो एसडीएम और ये लोग आ रहे हैं सारे पकड़ो इनको, जरा इनकी वीडियोस बनाओ, इनकी तस्वीरें बनाओ। पीएसपी उनके साथ खड़ी है। इस जुल्म के आगे खामोशी से मर जाना जालिम का साथ देने के मुतरादिफ है। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि ना पीपल्स पार्टी सिंधियों की नुमाइंदा जमात है और ना एमक्यूएम मुहाजिरों की नुमाइंदा जमात है। मैंने बोल दिया मैं मुहाजिर हूं, हर दफा बोलता हूं, इस नाम पे सियासत नहीं कर रहा, इस नाम पे इससे नफरत नहीं कर रहा, इस नाम पे पख्तून से नफरत नहीं कर रहा। इसका दुख मेरा दुख है, लाड़गाना में बच्चा मर रहा है मुझे तकलीफ है, मैं समझता हूं मुझसे रब पूछेगा, थर में बच्चे मर रहे हैं मुझे इसका अफसोस है दुख है, हमेशा दिमाग में रहती है कि इनको कैसे बचाना है, मेरा रब मुझसे, मैं सियासत कर रहा हूं मेरा रब मुझसे पूछेगा। इसी तरह से कराची में अगर कोई मरेगा तो मैं इसलिए खामोश नहीं रह सकता कि मैं मुहाजिर हूं, मुहाजिर मर रहा है तो मैंने बात नहीं करनी है, लोग क्या बोलेंगे, लोगों की ऐसी की तैसी। अल्लाह ताला को जवाब देना है, लोगों को जवाब नहीं देना। जो जहां सही बात होगी वो बात करेंगे, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। आज अगर हम बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर बात करते हैं, उनके मसाइल पे बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लिए बात करते हैं, साउथ पंजाब के लोगों के लिए बात करते हैं, हमेशा सिंध के लोगों के लिए बात करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, तो कराची में भी जुल्म हो रहा है, हैदराबाद में भी जुल्म हो रहा है। इस जुल्म को खत्म होना चाहिए, इस जुल्म को बंद होना चाहिए। अब मैं आपको आ जाता हूं कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। देखो भाई, और ये जो एमक्यूएम के लोग हैं और ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं, ये जो दुकानें बंद करा रहे हैं, मैं अगर वो सिंसियर हैं और साथ साथ वफा की हुकूमत भी अगर सिंसियर हैं, तो इन ताजिरों पे लगने वाला टैक्स अगले 6 महीनों के लिए माफ करो। इन पर लगने वाला टैक्स जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का टैक्स है, जो कि वफा की हुकूमत का टैक्स है, इन ताजिरों पर लगने वाला टैक्स माफ करो, इनकी बिजली माफ करो, इलेक्ट्रिक को पैसे दो आप डायरेक्ट इन मार्केटों के, इनकी बिजली माफ करो, इनका गैस माफ करो, इन पे लगने वाला टैक्स 6 महीने के लिए तो माफ करो। दुनिया ने कर दिया ये काम, दुनिया तो अपने लोगों को जहां जहां कोरोना आया वहां पे सैलरीज दे रहे हैं बिठा के, वो सैलरीज दे रहे हैं। तो अगले 6 महीनों के लिए कम से कम ये करो, अगर तुम मुखलिस हो, बैठकर हुक्म सादर नहीं करो कि दुकान बंद कर दूंगा, पकड़ दूंगा जाके, मार दूंगा, ये काम ना करो। बादशाह नहीं हो आप यहां पर, ये रियाया नहीं है कोई, ये गुलाम नहीं है, ये शहरी है, पाकिस्तान बनाने वाले लोग हैं इनको, और इनका ये ना समझो कोई वाली वारिस नहीं है। पीएसपी हर मजलूम के साथ हर जगह खड़ी होगी,
ये देखे बगैर कि इसका पॉलिटिकल फायदा है या पॉलिटिकल नुकसान है। हम तुम अभी क्या आज के फिरौन जो कि हुक्मरान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, आप क्या बेचते हो? हम अल्ताफ हुसैन से नहीं डरे, हम अल्ताफ हुसैन से नहीं डरे, उससे बड़े फिरौन नहीं हो। जुल्म करोगे खत्म हो जाओगे, और कर रहे हो जुल्म। हम खड़े हैं तुम्हारे सामने, अब हम सिर्फ बातों से नहीं बात करेंगे, अब हम अमली तौर पर तुम्हारे खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। और मैं लोगों को बोलता हूं कि तैयारी करो, आज जो लोग सूबा बनाने की बात कर रहे हैं, इस शहर में 70 लाख लोग कम गिने गए, इन्हीं लोगों ने बैनर लगाया कि 70 लाख लोग लापता कर दिए गए, पूरी कैंपेन चलाई। अभी वफाकी हुकूमत जो कि कोई काम ठीक नहीं कर रही, उसकी कैबिनेट ने इसी सेंसस को उठाकर जो लीगल करने के लिए वफाकी कैबिनेट में ले आए हो कि भाई इसको लीगल कर दो डॉक्यूमेंट को। अबे भाई क्यों लीगल कर दो? तुमने हम 70-72 सालों से कश्मीर को डिस्प्यूटेड रखा हुआ है, लीगल कर दो ना उसको भी। नहीं कर रहे क्योंकि डिस्प्यूटेड होगा तो फिर उसका हल निकलेगा। ये एक डिस्प्यूटेड मामला था, अगले सेंसस तक ये डिस्प्यूटेड मुतनादा रहता। इस ये एमक्यूएम अपनी 2 वजारतें लेकर बैठी है, इसने साइन किए हैं उस कैबिनेट मीटिंग में 4 लाइन डिसेंट लोड नोट लिखकर, जिसकी कोई औकात नहीं है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अपनी वजारत नहीं छोड़ी कि नहीं हम इसको लीगल नहीं होने देंगे। अब इसका नुकसान क्या होगा? अब जब अगली मर्दमशुमारी होगी तो आपने इसके ऊपर मोहर लगा दी लीगल होने की, तो वो मर्दमशुमारी 1,60,00,000 से गिनी जाएगी अगली, तो 10% बढ़ा देंगे, 20% बढ़ा देंगे। भाई 3 करोड़ से तो नहीं आगे करेंगे ना, क्योंकि आपने 1,60,00,000 पे मोहर लगा दी सरकार की, तो आपने मेरी अगली नस्लों को भी बेच दिया। तो जो एमक्यूएम एक मर्दमशुमारी मुतनाजा को मुतनाजा नहीं रहने दे सकती, ए मुहाजिरो, वो तुम्हारे बच्चों की जानें मांग रही है अगला सूबा बनाने के लिए। अपनी चोरी बचानी है, अपने आप को जेल से जाने से बचाना है, अपना कारोबार जो इस एमक्यूएम के नाम पे चल रहा है उसको बचाना है, और अपने पास कोई कारकर्दगी नहीं है कि अगली दफा लोगों के दरवाजों पर उस नाम पर वोट मांगने जाएं, तो ये सूबे का लॉलीपॉप दे दिया है। होश करो, इनको इनसे सवाल करो, मुहाजिरो इनसे सवाल करो, बोलो कैसे बनेगा सूबा, इनसे ये सवाल करो कैसे बनेगा सूबा, इनके इस नारे में ना हो। और याद रखो, इन एमक्यूएम वालों के इस नारे से सबसे ज्यादा फायदा पीपल्स पार्टी को हो रहा है, सबसे ज्यादा फायदा पीपल्स पार्टी को हो रहा है जो कि हम पर जुल्म कर रही है। मैं सिंध के दानिशवरों को आवाज लगाना चाहता हूं, सिंध के उन सियासतदानों को आवाज लगाना चाहता हूं, सिंधी बोलने वाले सियासतदान जो कि पीपल्स पार्टी में नहीं है, कि तुम तो पीपल्स पार्टी में नहीं हो ऐ सिंधियो, पीर पगारा साहब और अरबाब गुलाम रहीम साहब और जो उनके जीडीए में लोग हैं और जो नहीं भी हैं, जतोईज हैं, मेयर हैं, वो तो मेयर अभी गए हुए, वो नहीं है पीपल्स पार्टी के, शिराजीज हैं उधर के वहां के, और जो लोग हैं और जो कौमें हैं जो सिंधी हैं और वो पीपल्स पार्टी में नहीं है, तुम कभी एक जुमला नहीं बोलते कराची की ज्यादती पे, हैदराबाद की ज्यादती पे, ये पीपल्स पार्टी ये कर रही है, तुम्हारे मुंह में कभी एक जुबान नहीं आई कि तुम इन ज्यादतियों पे, तुम सिंधी होते हुए कहोगे नहीं मुहाजिरों के साथ ज्यादती हो रही है? कभी तुम भी तो बोलो, कभी तुम भी तो आवाज निकालो, कभी कोई सिंध का लिखारी भी कराची के ऊपर जुल्म होने वाले मुहाजिरों के ऊपर जुल्म होने पर कोई आर्टिकल लिख दे, कभी कोई टीवी एंकर कोई प्रोग्राम कर दे सिंधी बोलने वाला, कोई दानिशवर कोई शायर कोई 2 शेर बोल दे कि ये मेरी सिंध धरती की ये सखाफत नहीं है जो ये पीपल्स पार्टी कर रही है। हम गले लगाने वाले लोग थे, हम मिलकर रहने वाले लोग थे, तो मैं आवाज देना चाहता हूं आज, मैं भी तो यहां पर बैठकर गलत को गलत और सही को सही कह रहा हूं, तो क्या तुम में इतनी जरूरत नहीं है? इस मामले में तुम सब सिंधी बन गए हो, इस मामले में तुम खामोश होकर पीपल्स पार्टी का साथ दे रहे हो, यह ज्यादती की बात है, यह जुल्म की बात है।
आप इतने बड़े बड़े सियासतदान हो, पीपल्स पार्टी से उसका आपका इख्तलाफ है, इतना जुल्म कर रही है पीपल्स पार्टी कराची पे, आप एक जुमला नहीं बोलते उसके लिए। मैं आपको आवाज देना चाहता हूं कि ऐसा ना करें, खुदा के वास्ते ऐसा ना करें। आपको कराची हैदराबाद के मजालिम के ऊपर खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए, आप भी बोलें, ताकि यहां पर एक जो ये जो जो लोग नस्ली बुनियादों पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं, उनके उनकी साजिश को नाकाम किया जा सके। ये पाकिस्तान पीएसपी वालों का अकेले का नहीं कि हमने इस पाकिस्तान को बचाना है, हमने इस सिंध को बचाना है, आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं आपको आवाज लगाता हूं, मैंने बहुत दिनों तक कमरे के अंदर बात की है, ये आपको पता है कि आपसे बात की है, लेकिन मैंने कोई भी आपका अमली कदम नहीं देखा। तो मैं सिंध के तमाम वो जमातें, वो सियासतदान, वो लिखारी, वो दानिश्वर जो पीपल्स पार्टी के पार्टी में नहीं है, मैं उनको आवाज देता हूं कि तुम भी कराची और हैदराबाद के मजालिम के ऊपर आवाज उठाओ। जिस तरह से लाड़काना में, जिस तरह से खैरपुर में, जिस तरह से थर में मसाइल हैं, जुल्म है, इसी तरह से जुल्म यहां पर हो रहा है। उसको 40 साल पहले आपने ऐसा कर दिया पूरे सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट को, आज आप वही रिवायत कराची को मुंजुदड़ो बनाने जा रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात, ये ज्यादती है। आज यहां का नौजवान मायूस है, और इस मायूस इंसान को कोई कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। हम पर इल्जाम लगाने वाले कि भाई इन्होंने आकर मुआजरों का इत्तेहाद तोड़ दिया है, ये जो एमकेएम वाले बोलते हैं, वरना मुआजर जो है वो, ओ भाई 2013 में मैं और अनीस कायम खानी नहीं आए थे, आपने शहर पीपल्स पार्टी को दे दिया, आपका गवर्नर था, आपका वजीर था, 90 खुला हुआ था, कैसे दे दिया? ये एमकेएम, ये अल्ताफ हुसैन साहब और ये आज की क़यादत, जब तुम अपने घर में अपनी अपनी बीवी के मसाइल, अपने तलाक के मसाइल इस पीपल्स पार्टी के वजीरों से हल कराओगे और अपनी कमजोरियां दोगे, तो तुम क्या खाक मुआजरों के लिए आवाज उठाओगे? बगैर तो कैसे आवाज उठाओगे तुम? जब तुम रॉ के 22 साल के पकड़े जाने का केस वफाकी वजीर दाखिला से पीपल्स पार्टी के हल कराओगे, तो तुम मुआजरों का मुकदमा लड़ सकते हो। तुमने दिया है शहर का हवाले, इस वजह से हमने पार्टी छोड़ी थी, इस वजह से हमने तुम्हारे खिलाफ बगावत की है, तुम्हारे खात्मे तक ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है? मुआजर सूबा अगर हल है तो आ जाए मेरे पास, कोई अगर कोई बना सकता है तो आ जाए मेरे पास, मैं मेरे दरवाजे खुले हैं, उसका इस्तकबाल करेंगे, मुझे कन्विंस कर दे तो उसके साथ मैं तैयार हो जाऊंगा, मांग लूंगा माफी मैं सिंधियों से, मुझे कन्विंस कर दे मैं तैयार हो जाऊंगा, पूरी पार्टी लेकर चला जाऊंगा उसके पास, आ जाए मेरे पास या मुझे बुला ले, जहां बोलता है आ जाए, मुझे बुला ले, मुझे कन्विंस कर दे। ये जो मुआजर सूबे का नारा लगा रहे हैं, ये मुआजरों के लिए फायदे में, मैं माफी मांग लूंगा अपने सारे बयानिए पे, सिंधियों से माफी मांग लूंगा, चला जाऊंगा तुम्हारे साथ, आ जाओ मैं तुम्हें खुला चैलेंज करता हूं। सॉल्यूशन अब मैं बताता हूं, ये ऑफर के साथ सॉल्यूशन अब आपको मैं बताता हूं। सॉल्यूशन इसका हल ये है कि ये जो वजीर आला आइन में लिखी हुई 4 लाइनों की अपने हिसाब से तशरीह करता है कि आइन में आर्टिकल 140 4 लाइनें हैं, ये जो वो अपने हिसाब से तशरीह करके सारे डिपार्टमेंट ले लेता है, वाटर बोर्ड ले लेता है, बिल्डिंग कंट्रोल ले लेता है, रोड ले लेता है, पार्क्स ले लेता है, सॉलिड वेस्ट ले लेता है, ये वफाकी इदारे के साथ नहीं होता ये काम, ये सूबाई इदारे के साथ ये काम नहीं होता। वजीर आजम कोई बनता है, हल्फ उठाता है, अगले दिन से उसके डिपार्टमेंट का कोई मसला नहीं होता, वो काम शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वजीर आजम के सारे अख्तियारात, वसाइल और डिपार्टमेंट आईन में लिखे हुए हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कोई वजीर आला बनता है, ओथ उठाता है, अगले दिन से काम शुरू कर देता है, कोई लड़ाई नहीं होती, क्योंकि सूबाई वजीर आला के सारे डिपार्टमेंट उस आईन में लिखे हुए हैं कि इसके पास क्या क्या डिपार्टमेंट, क्या क्या होदा होगा, क्या क्या इसके पास जिम्मेदारी होगी। मसला कहां शुरू होता है? जहां पर कोई लोकल गवर्नमेंट, थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट, जो कोई मेयर बनता है, जो कि जिसका ताल्लुक हमसे है, आवाम से 99%, जब वो उसके अख्तियारात और वसाइल की बात होती है, वो उठाने के बाद वहां पर फिर लड़ाई शुरू हो जाती है कि ये मेरा अख्तियार है, वो मेरा अख्तियार नहीं। क्यों लड़ाई शुरू होती है? क्योंकि जिस तरह से वजीर आजम के अख्तियारात लिखे हुए हैं, जिस तरह से वजीर आला के डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं, इस तरह से मेयर के अख्तियारात और डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट के अख्तियारात और डिपार्टमेंट आईन में नहीं लिखे हुए, ये है मसला।
वहां चार लाइनें लिखी हुई है सिर्फ, उसकी तशरीह वजीर आला अपनी मर्जी से करता है और सारा डिपासारा ले लेता है। वहां पर पूरा एक चैप्टर इंक्लूड करने की जरूरत है कि वोटर बोर्ड इलेक्टेड मेयर उसका जिम्मेदार होगा, यह आईन में लिखो। कचरे का निजाम मेयर के अंडर में होगा, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट के अंडर में होगा, यह आईन में लिखो। बिल्डिंग कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क, ये सारे डिपार्टमेंट 23 से 24 डिपार्टमेंट हैं, ये आईन में पूरा चैप्टर इंक्लूड करो। जब ये इंक्लूड कर दोगे आईन में, कोई वजीर आला अपने हिसाब से तशरी नहीं करेगा। जो भी आएगा मेयर, वो अपना वोट उठाएगा, अगले दिन से काम शुरू हो जाएगा। आपको अगर वोटर बोर्ड मिल जाए, आपको अगर बिल्डिंग कंट्रोल मिल जाए, आपको अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, आपको सॉलिड वेस्ट मिल जाए, आपको ये यूटिलिटीज डिपार्टमेंट मिल जाए, आपको ट्रैफिक पुलिस मिल जाए, आपको लोकल पुलिसिंग मिल जाए, आपको अस्पताल मिल जाए, आपको लोकल स्कूल मिल जाए, तो फिर आपका क्या मसला है? फिर क्या मसला रह जाता है? फिर तो कोई मसला, यही मसाइल है ना। ये इसके लिए आप कहते हो सूबा बनाएंगे, जो मैंने बता दिया आईनी तौर पर और मसल से दोनों से नहीं बन रहा। इस वाली अगर ये बात हम करें, इस वाली बात कोई करे कि भाई ये जो पूरा ये जो निजाम एक चैप्टर है, इसके अख्तियारात और वसाय इसके लोकल गवर्नमेंट के इलेक्टेड मेयर के डिपार्टमेंट, ये आईन में जो 18वीं तरमीम हुई उसमें एक और तरमीम करके इसको शामिल करो, तो कौन सा सिंधी नाराज होगा, कौन सा पंजाबी नाराज होगा, कौन सा बलोच नाराज होगा, कौन सा पख्तून नाराज होगा? और ये कोई मैं कराची के लिए तो नहीं कह रहा कि उसमें लिख दो आईन में कि कराची को इख्तियार दो, नहीं भाई, लाड़काना को भी दो, वहां का भी जो मेयर है उसको भी जाएगा। जब आईन में लिख दी जाएगी बात कि तो लाड़काना के मेयर को भी इख्तियार जाएगा, नवाबशाह के मेयर को भी इख्तियार जाएगा, हैदराबाद के मेयर को भी जाएगा, कराची के मेयर को भी जाएगा, और लाहौर के मेयर को भी जाएगा, और पिशावर के मेयर को भी जाएगा, और कोयटा के भी मेयर को जाएगा। ये है सोल्यूशन, ये है हल। 18वीं तरमीम जो के वफाक से सूबों को इख्तियारात मिले वो वजीर आला के पास आकर पार्क हो गए। इससे ज्यादा और ज्यादती कोई हो नहीं सकती, हम इससे ज्यादा जुल्म और कोई हो नहीं सकता। वजीर आला अपने नीचे उसने डिवॉल्व ही नहीं किया, इसलिए कि उसके ऊपर कोई आईनी पाबंदी नहीं है। तो इस 18वीं तरमीम में तरमीम करने की जरूरत है, जहां से वजीर आला से इख्तियारात लेकर नीचे डिस्ट्रिक्ट को उसके इख्तियारात बांटने पड़े। आज गटर लाइनों का इख्तियार का हेड वजीर आला है, आज पानी की लाइनों का इंचार्ज वजीर आला है, आज जो है वो कचरे उठाने का इंचार्ज वजीर आला है। क्या मजाक है दुनिया में, कहां होता है ये? तो ये उसका हल है कि 18वीं तरमीम में तरमीम करके एक चैप्टर इंक्लूड करो जिसमें लोकल गवर्नमेंट के, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के थर्ड टियर के सारे इख्तियारात लिखे हों और उसको आईन का हिस्सा बना दो, किसी को तशरीह करने की जरूरत नहीं होगी, काम चल पड़ेगा। दूसरी बात, पैसे एनएफसी अवार्ड की मद में इस सूबा सिंध की हुकूमत को पैसे मिलते हैं, तमाम सूबों को पैसे मिलते हैं। 10 सालों में 13 नहीं 14 नहीं 10 सालों में पीपल्स पार्टी की इस गवर्नमेंट को 8370 अरब रुपए मिले। कितने? 8370 अरब रुपए मिलकर खर्च हो गए ये एनएफसी अवार्ड में सूबे को मिले। ये 8370 अरब रुपए खर्च करने वाली सूबा सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत का जो सूबा है वो दुनिया में इंसानों के रहने की सबसे बदतरीन जगह है, जहां पर 8000 खर्च करने के बाद आज कुत्ते के काटने से बच्चों को नहीं बचा पा रहे, कराची जैसे शहर को पानी नहीं दे पा रहे। ये पैसा वजीर आला के अपने 8372 अरब अपने हाथों से खर्च हुए एक आदमी के। ये पैसा वफाक दूसरा सोल्यूशन, पॉइंट नंबर दो, सोल्यूशन बता रहा हूं, हल बता रहा हूं, इस सूबे सिंध का और पूरे पाकिस्तान के लोगों का, 25 करोड़ लोगों का हल बता रहा हूं। कि दूसरा पॉइंट ये है कि वो ये जो एनएफसी अवार्ड मिल रहा है सूबों को, ये सूबे का वजीर आला नहीं देता, नीचे डिस्ट्रिक्ट को पीएफसी अवार्ड नहीं देता, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं दे रहा। मैं वफाक से मुतालबा करता हूं आईनी तरमीम करके एनएफसी अवार्ड के साथ पीएफसी अवार्ड शामिल करो, वहीं से जो हर सूबे के डिस्ट्रिक्ट का कोटा है वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन डायरेक्ट उस डिस्ट्रिक्ट को पहुंचे। आप एनएफसी अवार्ड में जो पैसा सूबे का है
प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वो उसको दे दो और डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट को पैसे दो, ये आईनी तरमीम में ये तीसरी दूसरी बात डालो, ये आईनी आईन में लिखा होना चाहिए ताकि ग्रास रूट लेवल तक वो पैसे पहुंचे। और तीसरी बात कि सिंध की और खास तौर पर कराची की और पूरे पाकिस्तान में जहां जाए और खास तौर पर कराची की गिनती सही करो हर हाल में। ये 3 करोड़ का शहर 1,60,00,000 के रिसोर्सेस पे नहीं चलेगा। अगर आप मुझे गिन सही नहीं सकते तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि मुझ पर आप पाकिस्तान का कानून लागू करें, मुझसे आप हुब्बुल वतनी डिमांड करें, मुझसे आप टैक्स डिमांड करें। आप अगर मुझे इतनी कुर्बानियों के बाद इस शहर को शहरियों को गिन नहीं सकते अगर, तो आपको कोई हक नहीं है कि मुझ पर आप अपने कानून को इंप्लीमेंट करें। तो इस शहर की गिनती पूरी करो, ये तीसरी बात। ये 3 काम हो जाएंगे, एक एक घर का मसला, सिर्फ कराची नहीं, कराची से कश्मीर तक तमाम मसाइल लोगों के हल होंगे। और फिर पूरा पाकिस्तान कहेगा हाँ हमारे यहां भी ये इंप्लीमेंट करो, हमारा भी मसला इससे हल हो रहा है। ये हल है इस वाली बात पर, इन 3 बातों पर। मैं कराची से लेकर कश्मीर तक और खास तौर पर कराची और हैदराबाद के शहरी जो इलाके हैं इनके लोगों को आवाज देता हूं कि आओ इस 3 नुकात के एजेंडे पर पाक सरजमीन पार्टी के साथ खड़े हो जाओ। आज अगर हमारे पास असेंबलियों में ये कराने की ताकत नहीं भी है तो जो असेंबली में लोग बैठे हैं वो तो हमारी ये वाली बात नहीं कर रहे। आओ ना, इस 2 लाख लोग इस शहर में निकले, इस रोडों पर निकले अमन के साथ, अपने इस 3 नुकाती एजेंडे के साथ, जिससे मुझे पानी भी मिल जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी, दवा भी मिल जाएगी, तालीम भी मिल जाएगी, यहां पर ये सब कुछ सही हो जाएगा। आओ मेरे साथ, मेरा साथ दो। ऐ कराची के हैदराबाद के तमाम जुबानें बोलने वाले लोगों, आओ आओ मेरा साथ दो। हर शहर में जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, हर शहर का हल यही है। आओ आईन में, आईन में तरामीम के लिए आओ, रोडों पर निकलो, आओ आओ एक ऐसी मूवमेंट बनाएं जहां पर हम असेंबली में बैठे हुए लोगों को मजबूर करें कि तुमने अपने मराद के लिए, अपनी चीजों के लिए आज तक तमाम कानून साजी किए, एक दफा लोगों के मसाइल को उनके दरवाजों पर हल करने के लिए आओ ये 3 नुकात, ये 3 नुकात की एजेंडे पर हमारे लिए भी कानून साजी करो। अगर अगर लोग खड़े हो गए, सबको बोलता हूं, ये ताजिरों को भी, ये रोजाना मरने से अच्छा है आओ कि जद्दोजहद में अगर जान भी जाती है तो हमारी जान, हमारी जान इस हक के लिए जाएगी। और इस काम, इन 3 नुकात में कोई पाकिस्तान का आदमी इंसान नाराज नहीं हो रहा। हम किसी से किसी को मार कर अपने आप को हक नहीं लेना नहीं चाहते, किसी को नाराज करके अपना हक नहीं जान। इसमें सबका भला है, ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए, इसमें सबकी जीत है, इसमें सिंधियों की भी जीत है, उसमें हारियों की भी जीत है, इसमें मोहजरों की भी जीत है, पंजाबी पख्तून बलोच सराय की सबकी जीत है। आओ इस मसले पे इकट्ठे। और अगर चलो मुस्तफा कमाल के पीछे नहीं आना है तो मैं तमाम ये नारे लगाने वाले कराची में मैंडेट रखने वाली पार्टीज को, मैं खालिद मकबूल को आवाज लगा के कहता हूं चलो कि तुम्हें अगर वाकई मुहाजिरों से मुखलिसी है तो मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं, मैं अपने सारे अख्तलाफात को एक तरफ करके, अगर वाकई मुखलिस हो आओ इन नुकात पर शहर में निकलो, अपने रिजाइन जमा कराओ और आ जाओ शहर में। मुस्तफा कमाल अपने जिम्मेदारान, अपने कारकुनों के साथ तुमसे 10 कदम पीछे चलकर तुम्हारी सपोर्ट करेगा, ना तुमसे स्टेज मांगेगा, ना तुमसे तारीफें मांगेगा। तुम इस कराची के लोगों के लिए जेन्युइनली निकलो, मैं अपनी पूरी पार्टी लेकर तुम्हारी सपोर्ट में तुम्हारे पीछे निकलूंगा। मैं बोल रहा हूँ ये वाली बात, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये वाली बात। पीटीआई वालों, तुम्हें लोगों ने मैंडेट दिया था, 14 सीटें दी थी, 25 MPS बनाए थे, तुम रोजाना, तुम्हारी हुकूमत चूंकि पीपल्स पार्टी की वजह से चल रही है, खान साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज ये वफाकी हुकूमत, वफाकी इमरान खान की हुकूमत इस पीटीआई पीपल्स पार्टी की वजह से चल रही है। अगर तुम वाकई कराची का मैंडेट जेन्युइन रखने वाले लोग हो, आओ इसके लिए अमली जद्दोजहद करें, या फिर इन तुम 3 नुकात को लेकर अपने वजीर आजम के पास जाओ और सबके पास जाओ और ओपोजिशन के साथ बात करके ये कानून साजी 18वीं तरमीम में तरमीम करवाओ, ये चैप्टर इंक्लूड कराओ कि लोकल गवर्नमेंट के अख्तियारात लिख दिए जाएं, डिपार्टमेंट लिख दिए जाएं, मेयर के पावर लिख दिए जाएं,
लिख दिए जाए आईन में और सारे पाकिस्तान के मेयर को ओथ उठाए और काम करना शुरू कर दें, पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल तक चीज पहुंच जाएगी, गवर्नेंस पहुंच जाएगी, करप्शन मिनिमाइज हो जाएगी, लोगों में सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आ जाएगा, लोगों में सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाएगी और ये पाकिस्तान में गली मोहल्लों के मसाइल हल होने लगेंगे। और ये जो लावा पकड़ा है, ये जो कराची में लावा पकड़ा है, सिंध के शहरी इलाकों में लावा पकड़ा है, ये पीपल्स पार्टी का तासुब जो है वो उभर कर आ रहा है और वो जो कर रहे हैं मफ्तूह इलाके के तौर पर, ये उनका सारा अमल जो है वो जायल हो जाएगा और पाकिस्तान बच जाएगा, लोग बच जाएंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की के चारे पे, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। तो कोई भी इस इन 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 पॉइंट्स के ऊपर आवाज उठाता है, हम उसका साथ देंगे अनकंडीशनल। हाँ, अनकंडीशनल, गैर मशरूत तरीके से हम उसका साथ देंगे, लोगों के लिए साथ देंगे। और मैं आम लोगों को कहता हूं कि अगर कोई नहीं है, मैंने ये फॉर्मूला पे आओ, इस पीएसपी के साथ जुड़ो, आओ हम एक ऐसी मूवमेंट उठाते हैं कि जिसमें हम आईनी तरमीम, ये है सोल्यूशन सिंध का, ये मुहाजरों का भी सोल्यूशन है और ये सिंध के सारी जुबानें बोलने वालों का सोल्यूशन है। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बात लंबी हो गई लेकिन मुझे तफसील से बात करनी थी। आप हजरात से गुजारिश है, आपके मालिकान से गुजारिश है, आपके 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 तमाम डायरेक्टरान से गुजारिश है, टीवी वालों और तमाम मीडिया वालों, तमाम अखबार वालों, मैंने सियासत नहीं की है, मैंने पाकिस्तान के लोगों के मसाइल का हल बयान किया है। मेरी ये बात लोगों तक पहुँचाओ, मेरी ये बात हुक्मरानों तक पहुँचाओ। मैं कभी भी मैंने ये बात नहीं की, लेकिन आज के हवाले से मैं आपसे बात करता हूँ कि खुदा के वास्ते मेरी बात, आप अपने, मेरे पास पैसे नहीं हैं कि हम बहुत बड़े बड़े इश्तहारात लगवाएं, आपका ज़रिया है इसको कार्य खैर समझ कर, लोगों की बात समझ कर आप हुक्मरानों तक और पाकिस्तान के लोगों तक मेरी बात पहुँचाएं, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया।